सपने देखने वालों को रात छोटी पड़ जाती है और उन्हें पूरा करने वालों को दिन छोटा पड़ जाता है। वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना हुआ। इन्हीं पंक्तियों के साथ सबसे पहले मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज द्विवेदी आप सभी का इन्फिनिटी एकेडमी सुंदरनगर रीवा में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शिक्षक दिवस है, शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए आज बहुत ही खास दिन होता है। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, ये शायद मुझको बताने की जरूरत नहीं है। ये भली भांत सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक जो उसका फंडामेंटल है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में ब्रीफिंग कर देता हूँ। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। राधा कृष्णन एक शिक्षक होने के साथ साथ फिलोसोफर भी थे। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। एक बार ऐसा हुआ कि जब उनका जन्मदिन आया तो उनके छात्रों ने उनका जन्मदिवस मनाना चाहा, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरा जन्मदिवस मनाना है तो मेरे जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो वो मुझको ज़्यादा खुशी होगी। तो उसी दिन से उनका जो जन्मदिवस है शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इसके अलावा भी हमारे देश में शिक्षक और शिष्य की परंपरा जो है बहुत ही पुरानी परंपरा है, मूलभूत परंपरा रही है। गुरु पूर्णिमा भी हम इसी अवसर पर शिक्षक और शिष्य के जो संबंध है, उनका जो व्यवहार है, उनका इस रिश्ते का जो महत्व है, इस चीज़ को समझने के लिए, समाज के सामने स्थापित करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा भी सनातन काल से, आदि काल से मनाते आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही महान विभूति थे, तो उनके जन्मदिन को, उनके किए हुए कार्यों को याद करने के लिए हम एक, मतलब ये मान के चलिए, एक डेडिकेशन, एक समर्पण के भाव से शिक्षा दिवस मनाते हैं। ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप सभी को इसके बारे में पहले से ही जानकारी होगी। बीइंग अ टीचर, मैं क्या सोचता हूँ इस चीज़ को आप तक कन्वे करने के लिए आज एक छोटा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स, जैसे आज शिक्षक दिवस है तो कई सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे, फ़ोन के माध्यम से या फेसबुक एफ बी मैसेंजर के माध्यम से कई लोगों ने मुझे मैसेज किए, तो मैं कुछ लोगों के फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पाया, सबको मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि नंबर तो सबके सेव है नहीं, तो ये भी पूछना कि आप कौन हैं थोड़ा सा बुरा लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना के उन सब अपने स्टूडेंट्स को मैं समर्पित कर दूँ, और सभी को मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे याद किया, मुझे अपना शिक्षक मानते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स फॉर योर बेस्ट विशेस। ठीक है, तो मैं सभी को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और अपने सभी आदरणीय गुरुजनों, वरिष्ठजनों जिनसे मैंने कुछ सीखा है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, सभी को मैं नमन करता हूँ। और आज से आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, समाज के लिए कुछ करते रहेंगे और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखेंगे। कुछ एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ शिक्षक और शिष्य परंपरा के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि जब आप किसी मुकाम पे होते हैं, जैसे अभी आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अपने शिक्षक की उपयोगिता पता है, आपको पता है कि हमारे शिक्षक हमारे लिए क्या है। हर जगह हर स्टेप पे आपको उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हैं, समय आपका बदल जाता है, तो आपको आपके शिक्षकों को भूलना नहीं चाहिए। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है, हो सकता है आपको मोटिवेट करे। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि एक स्कूल होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं और एक टीचर होते हैं। तो एक बार एक टीचर ने, मतलब उनके शिक्षक ने कहा कि बच्चों, अगर आपको 100 रुपये दे दूँ तो आप उसका क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स ने कुछ स्टूडेंट ने कहा कि मैं चॉकलेट खरीदूंगा, किसी ने कहा कि मैं अपने लिए ये खरीदूंगा, किसी ने कहा कि मैं टॉयस खरीदूंगा, इस प्रकार से। लेकिन एक स्टूडेंट चुपचाप शांति से बैठा हुआ था, तो शिक्षक की नज़र उस पर गई, तो उन्होंने पूछा कि बेटा आप क्या करोगे। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि सर, मैं अपने माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा,
स्पेक्ट्स मतलब पावर ग्लासेस वो खरीदूंगा। शिक्षक ने असमंजस में आके पूछा कि वो तो आपके फादर भी खरीद सकते हैं, आपके पिताजी भी खरीद सकते हैं, आपको खरीदने की क्या जरूरत है, आप अपने लिए क्या खरीदोगे। लेकिन बच्चे ने जो बात कही तो उससे टीचर का मन भर आया, उसके उनका गला भर आया। उन्हें उसने कहा बच्चे ने कि सर मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माँ जो है तो मुझको पढ़ाने के लिए लोगों के कपड़े सीती है, उनके घर पे बर्तन धोती है, कूड़ा कचड़ा जो भी है वो साफ करती है, ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं और जिंदगी में कुछ कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। ये सब सुन के टीचर की आंखें नम हो गई। उन्होंने 100 रुपया दिया अपने वादे के अनुसार और 100 रुपये और कर्जा दिया। बोले कि बेटा ये लो 100 रुपये, मैं आपको कर्जा देता हूँ, जब आप जिंदगी में कुछ बन जाना तो मुझको वापस कर देना। लगभग 20 साल बाद एक ऐसा ही दिन था जब उनके गुरु क्लास में लेक्चर ले रहे थे। एक गाड़ी आके क्लास के सामने अचानक खड़ी हुई ग्राउंड पे, तो सब वहाँ पे सन्नाटा छा गया क्योंकि गाड़ी पे लिखा हुआ था कलेक्टर, और वो आके उनके पैर में सीधे गिर पड़े। अब सोचने वाली बात यह है कि सब लोगों ने अचंभित होकर वो सोचा कि भाई कलेक्टर है, ये उनके पैर में क्यों गिर रहे, तो एक नॉर्मल टीचर है। उन्होंने कहा कि सर ये लीजिए आपका 100 रुपये, आपने मुझको कर्जा दिया था। तो इस कहानी का छोटा सा मोटिव ये है कि वो कलेक्टर होके भी वो जो 100 रुपया था उसको लौटाने के लिए वहाँ पे आया। कितनी बड़ी उपाधि है कलेक्टर, मतलब पूरे जिले का मालिक होता है एक प्रकार से आप देखा जाए तो। लेकिन उसका वक्त बदला, फिर भी वो अपने गुरु को भूला नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके विषम परिस्थिति में अगर कोई आपको सपोर्ट करता है, आपका साथ देता है, तो आपको कभी भी उसको भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, है ना। तो बस यही था मेरा आज का, जो मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो बनाने का, यही है कि बच्चों आप अपने गुरुओं का सम्मान करो, अपने माता पिता वरिष्ठ जनों सभी का सम्मान कीजिए। आपको अगर कुछ सीखने के लिए किसी से मिलता है तो बिल्कुल आप बेशक बेझिझक सीखिए उसको, और समाज में एक जो जो आप कर सकते हैं समाज के लिए, समाज के लिए कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, है ना। एक जो आपकी जिम्मेदारी है, जो एक क्या बोलते हैं उसको, एथिक्स, उन सब चीज़ों का आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको देखकर दूसरे लोग भी सीखें, दूसरे लोग भी आपको फॉलो करें, है ना। तो बस यही मैं मुख्य रूप से कहना चाहता था, सभी को शुक्रिया करना चाहता था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सभी को शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, जीवन में कुछ करते रहें, नए मुकाम को पाते रहें, हमेशा लाइफ में अग्रसर रहिए। बस थैंक यू, ऑल द बेस्ट।